जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज तारीख है 8/9/2024, दिन है आज रविवार। सुबह के बज रहे हैं 8:30, हम उठ के रेडियो चलते नीचे करते हैं पूजा पाठ। उठ के करके उठे हैं और देख सकते हैं राघव जी हमारे आ चुके हैं और हमारी अम्मा कर रही हैं पूजा और आ गया है हमारा नाश्ता। तो राघव जी देख सकते हैं कैसे देख रहे हैं हमें, ये हमने पप्पी ले बच्चे के और तेरा नाश्ता दिखाते हैं। नाश्ते में आज रोटी, आलू परवल की सब्जी है, दूध है और अपना भुजिया और बिस्किट, यही है आज का अपना नाश्ता। तो करते हैं अपना सब्जी टेस्ट, आलू की कैसी बनी है आलू परवल की सब्जी। तो ये अपना एक पैट अपना लेते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि सब्जी कैसी लग रही है। देखने में तो ठीक ठाक लग रही है, बाकी टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसी बनी हुई है। ये आ गया अपना एक पैट, ये देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा और टेस्ट आया है सब्जी का, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आया। और रोटी सुबह सुबह अच्छी लगती नहीं है, पर यह है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, थोड़ी डाइटिंग पैटिंग कोई चलना पड़ रहा है तो इस चक्कर से खा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ गया बिस्किट, बिस्किट खा रहे हैं अपना और अपना अपना बिस्किट गर्म करते हैं। आ गया है दूध, तो दूध पीते हैं और उसके बाद अपना निकलते हैं। आज संडे है, काम का देखते हैं क्या हाल है। तो काम अपना आ चुका है और ये अपना जो टेंट लगा हुआ है, ये अपना हमारी निगम पार्षद जो हैं वो गौरव शर्मा जी की वाइफ, उनकी कोई मीटिंग है तो वहाँ पर लगा हुआ। और पिकअप पर आ चुके हैं और अपना गाड़ी हो रही है लोड, गाड़ी हमारी जो लोड हो रही है टीकरी कलान, टीकरी कलान पड़ता है बहादुरगढ़ मंडका से आगे जाके। तो चलते हैं अपनी गाड़ी करवाते हैं लोड, और अपनी गाड़ी जो लोड हो रही है शास्त्री पार्क अकरम बिरयानी के पास से हो रही है। तो अकरम बिरयानी से लोड करा लिया है और निकल चुके हैं, और ये देख सकते हैं अकरम बिरयानी वाले के यहाँ भीड़, कितनी बिरयानी इसकी बिकती है देख सकते हैं। पकड़ चुके हैं रिंग रोड, आ चुके हैं 5वें पुश्ते पे और सीधा निकलेंगे सिग्नेचर होते हुए, बाईपास होते हुए अपना मुंडका, अपना मुंडका के लिए देख सकते हैं आप लोग टीकरी कलान, जिसे कह रहा था मैं, बाईपास आ चुका है। और आज है रोड खाली काफ़ी, और आज जाम वाम की कोई पोजिशन नहीं है क्योंकि मैप में हमने चेक कर लिया है तो काफ़ी कोई जाम नहीं है। और ये आप बागेश्वर धाम सरकार जी का टेंट लगा हुआ है और यहाँ आ चुके हैं, कथा स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए झूले झाले लगे पड़े हैं और अपना टेंट भी देख सकते हैं लगा हुआ है बागेश्वर धाम सरकार का, बाबा जी की फ़ोटो भी है, सब कुछ है। और ये टेंट बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, जिस भक्त को आना हो वो आ सकता है। और ये निरंकारी जो भवन था वहीं पे लगा हुआ है। और ये आ चुके हैं हम बाईपास पे, तो हल्का सा थोड़ा बहुत जाम मिल रहा है, तो देख सकते हैं जाम हमने पार कर दिया। पीरागढ़ी आ चुके हैं और पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन पार कर रहे हैं देख सकते हैं, और यहाँ से लगभग हमें जहाँ जाना है वो है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लगभग सीधा हमें जाएंगे। आगे देखते हैं जाम होता है कि नहीं होता, जाम नहीं है। आ चुका है नागलोई फ्लाईओवर, और ये नागलोई की जो मार्केट है फ्लाईओवर के नीचे देख सकते हैं आप लोग। तो चल ये सीधा अपना हमें निकलना है मुंडका टीकरी कलान, तो टीकरी कलान के लिए अपना ये देख सकते हैं रास्ता मुंडका कितना गंदा है, फ्लाईओवर पार करते ही ये स्टार्ट हो चुका है रास्ता, देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है और आगे चल के काफ़ी लंबा जाम है। और ये देख सकते हैं गड्ढे कूचे पीछे, ये एक्चुअली क्या होता है जो गड्ढे बड्ढे होते हैं ना, इस चक्कर से ही थोड़ा सा जाम लगता है क्योंकि गाड़ियाँ होती स्लो और पीछे वाली गाड़ियाँ जो होती हैं वो भी स्लो हो जाती है, इस चक्कर में लगता है जाम। तो जाम पार कर रहे थे तो मुंडका आ चुके हैं, देख सकते हैं मुंडका हम पार कर लिया, हमने जाम वगैरह हमने क्लियर कर लिया है और आगे देखते हैं जाम होता है कि नहीं। तो आगे बिल्कुल क्लियर है, आगे कोई जाम नहीं है, जो जाम था सिर्फ मुंडका तक का था। तो अंदर की तरफ चलते हैं, जंगल की तरफ अपना माल उतरेगा, ये जंगल आ चुका है देख सकते हैं आप लोग, गाँव देहात का एरिया है। माल जो उतरेगा वो कवाड़ा, कोई कवाड़ा का काम है वहाँ उतरेगा, ये रबड़ पबड़ है तो वहीं जा रही है देख सकते हैं आप लोग। तो आ चुके हैं, काटा हो रही है हमारी गाड़ी, गाड़ी करवाएंगे काटा, उसके बाद निकाल अपना उतरवाएंगे चल के माल जहाँ उतरेगा ये। तो काटा होके आ चुके हैं, माल अपना उतरना स्टार्ट हो चुका है, ये उतर रहे हैं ट्रक देख सकते हैं। और ये पूरा कवाड़ों का एरिया है, पूरा अंदर कम से कम मुंडका से 4 किलोमीटर अंदर आए हैं गाँव में, तब जाके ये एरिया पर आए। तो उतरवाते हैं माल और निकलते हैं, माल उतरवा दिया है और निकल चुके हैं, पेमेंट वगैरह ले ली है और अपना दूसरा ऑर्डर भी आ चुका है। तो दूसरा अपना ऑर्डर जो आया है लगभग 8 किलोमीटर दूर से है, तो चलते हैं अपना दूसरा ऑर्डर के लिए, हमने गाड़ी लगा दी है और बाहर खा रहे हैं खाना। तो खाने में आज शाही पनीर है और अपना आलू बैंगन की सब्जी, रोटी और अपना स्पेशल जो रायता डेली पीते हैं। तो करते हैं इसको फेस और सब्जी बताते हैं आपको शाही पनीर कैसी बनी हुई है। तो ये आ गया एक बाइट, खाते हैं टेस्ट और बताते हैं आपको। तो काफ़ी अच्छी टेस्ट है शाही पनीर का, काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसकी तरी काफ़ी अच्छी है और बैंगन की सब्जी भी ठीक ठाक बनी है। और ये आ चुका है अपना खीरा, खाते हैं और अपना रायता, स्पेशल रायता लगभग 20 रुपये का रेट है इसका, काफ़ी अच्छा है, 20 रुपये के ले रहा है तो बहुत कोई दिक्कत नहीं। आ चुके हैं पिकअप पे, गाड़ी में लोड स्टार्ट हो चुकी है और अपना खाना खा ही रहे थे देख सकते हैं आप लोग, पिकअप पे पहुँचे हुए थे पहले तो हमने बाहर लगा दी थी गाड़ी, तो गाड़ी लोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो करवाते हैं गाड़ी लोड, गाड़ी जो अपनी लोड हो रही है ये हो रही है सिविल लाइन,
खन्ना मार्केट। गाड़ी लोड करा के निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये पूरा रोड जो है कंजावला रोड है, ये सीधा रोड अपना निकलेगा आपका मंगोलपुरी वाला जो फ्लाईओवर है उसके पास। तो ये सीधा निकलते हैं और आगे रोड हमने पार करके आ चुके हैं, मंगोलपुरी वाला जो मेन फ्लाईओवर है वहाँ आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। और चलते हैं आगे का भी सफ़र आपको कराते हैं कंटिन्यू। तो आ चुके हैं अपना पीड़ागढ़ी पार कर दिया हमने और आ चुके हैं पश्चिम बिहार वाले मेट्रो स्टेशन पे। तो ये सामने देख सकते हैं आपके पश्चिम बिहार मेट्रो स्टेशन ही आ चुका है। और चलते हैं अपना आगे करवाते हैं आगे का सफ़र भी कंटिन्यू। तो ये अपना आ चुके हैं हम खन्ना मार्केट के अंदर, देख सकते हैं आप लोग। तो खन्ना मार्केट पहुँचते हैं और अपना उतरवाते हैं, माल अनलोडिंग करवाते हैं। तो माल अपना उतरवा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये जो सामने ठिया है यही उतरेगा माल, ये आ चुका है बंदा, यही उतारेगा माल। तो उतरवाते हैं इस माल को और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। माल उतरवा दिया, निकल चुके हैं, आज जिम नहीं जाना, जिम की छुट्टी है। तो चलते हैं अपना घर पे और फिलहाल ये ब्लॉग अपना यही एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और गुड नाइट, जय हिंद।